इधर बस्तर संभाग में पुलिस को 580 से भी अधिक गांवों को नक्सल मुक्त करने में कामयाबी मिली है। विकास, विश्वास और सुरक्षा त्रिवेणी योजना के तहत पुलिस ने संभाग में 43 नए कैंप खोले गए हैं। इसके कैंपों को समग्रित विकास केंद्र बनाया गया है, जिसके चलते नक्सल प्रभावित रहे 580 गांव नक्सल मुक्त हुए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया है कि संभाग में पिछले 3 वर्षों से इन सुरक्षा कैंपों को खोला गया है। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए नक्सल प्रभावित रहे गांवों में सुरक्षा कैंप खोलने से इन इलाकों में विकास कार्य हो ही रहे हैं। साथ ही अब लोग आसानी से ब्लॉक और जिला मुख्यालय आसानी से आना जाना कर सकेंगे। बस्तर संभाग में नक्सल प्रभाव को कम करने के लिए क्षेत्र को नक्सल गतिविधि से मुक्त करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विश्वास, विकास, सुरक्षा के त्रिवेणीकारी योजना का क्रियान्वयन की जा रही है। इसके तहत विगत वर्षों में 43 से अधिक नवीन सुरक्षा प्रारंभ की गई थी। इन सब गतिविधि के कारण लगभग 580 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर पूर्व में नक्सल गतिविधि परीक्षित हुआ या नक्सल घटना का रिकॉर्ड हुआ है, उन सब इलाका में अब नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक कम हुआ है। इसी प्रकार विगत 3 वर्षों में 580 से अधिक ग्राम नक्सल प्रभाव से मुक्त हुआ है। आने वाले समय में इसी तरीके से हम एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए अन्य क्षेत्र को भी नक्सल आतंक से मुक्त करके क्षेत्र की एक नया पहचान दिलाने का हम लोग काम करेंगे।